वेलकम टू कंपटीशन दुनिया में था। मैं बहुत दिनों के बाद में दोस्तों लाइव वीडियो बना रहा हूँ। कहने का मतलब मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ। ये वीडियो बनाना जरूरी था दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि कल से जो मैंने ये वीडियो डाला है दोस्तों जीडीएस वाला, और उसके बाद जो हाल फिलहाल में जो नियोजन नीति को लेकर के जो वीडियो मैंने कल बताया था उसके लेकर के बहुत सारे क्वेरीज आ रही है आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट्स और मुझे व्हाट्सएप में इनबॉक्स भी आ रहा था। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप सबके लिए जरूरी है और आपको बना के देना चाहिए ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है कुछ हद तक के लिए वो कम हो जाए। तो पहली बात मैं करता हूं दोस्तों, नियोजन नीति में जो अभी उमर बावरी जी ने जो अध्यक्ष हैं और जो उस ग्रुप के मेंबर भी हैं और भी मेंबर्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ क्लियर हो गया है कि सभी जिलों को जो झारखंड के हैं उन्हें नियोजन नीति के अंदर रखा जाए, उन सबको आरक्षण दिया जाए। कहने का मतलब है आपको, आपकी अगर स्टेट के तो आपको ही नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी प्रावधान कही गई है उन सबके द्वारा। अब बात उठती है कि ये सरकार तक जब जाएगी तब सरकार इसे मानती है कि नहीं मानती है, ज्यादा चांसेस है ये मानेगी सरकार। लेकिन इस पे तीन चार क्वेश्चन उठते हैं जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं आपके साथ रखना चाहूंगा, जो कि मेरे नहीं आप सबके क्वेश्चन है, आपके कमेंट्स के क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपके क्वेश्चन को लिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करनी है तो नीचे बने लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वहीं पर बेल आइकन को दबा के चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर से शेयर करना, ये सबके लिए जरूरी न्यूज़ है। लिया है पहला क्वेश्चन दोस्तों कि क्या ये लागू होने के बाद जो पिछले सारे एग्जाम्स है उन सब पे ये लागू हो जाएगा, खास करके लोग पूछ रहे हैं एसआई वाले में। तो दोस्तों देखिए, एसआई की जो मेरे को लगता है मेडिकल टेस्ट भी होने वाले हैं तो बहुत कम चांसेस है कि एसआई वाले में ये सब लागू हो पाए। ठीक है, बात दूसरी करते हैं, जो आईआरबी पंचायत सचिव रेवेन्यू क्लर्क इन सब की रिजल्ट लटकी हुई है तो ये तो बात पक्की है दोस्तों कि रिजल्ट इसलिए लटकी हुई है रेवेन्यू क्लर्क वगैरह की, क्योंकि ये नियोजन नीति को लेकर के जो असमंजस चल रहा था इस वजह से ही रुकी हुई है, ये तो पक्का हो गया। यही जो बात उठता है दोस्तों कि क्या इस सब में भी एग्जाम में भी ये नियोजन नीति जो नई सौंपी जाएगी सरकार को वो लागू होगा, तो ये 100% डिपेंड करता है दोस्तों सरकार पर। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं, हर सिक्के के दो पहलू, तो उस तरह से इसमें भी दो पहलू हो सकते हैं। पहले बात, अगर सरकार इसे मान लेती है तब वो लड़के इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है, कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हमने फॉर्म भर दिया, हमने एग्जाम दिया, ये गलत है, और ये अगर केस हुआ तो फिर ये लंबा चलने वाला है और समझिए वैकेंसी खत्म। लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो फिर ये पूरी तरीके से उल्लंघन हो जाएगा और आम जनता या स्टूडेंट खुश नहीं होगा, और जो कि सरकार नहीं चाहती है, इसलिए सरकार को ये जो कमेटी की रिपोर्ट इसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये देखना है कि ये सरकार कर सकती है कि पुराने परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए, आने वाले समय में इसे लागू किया जाए तो भी विरोध किया जाएगा जनरल स्टूडेंट के द्वारा। तो ये बहुत ही कंफ्लिक्ट वाली स्थिति बन गई है, जो रियलिटी में बता रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को बुरी लग रही होगी, मैं क्या बोलूं, ये अच्छी लग रही है, मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन ये जो रियल जो अभी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है ये इस टाइम पर, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन और ये सबके दिमाग में चल रहा था। मैंने आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिया, किसको ही नहीं बताएगा। ये परफेक्ट बात है दोस्तों कि सारे डिसीजन सरकार के ऊपर है, अगर वो चाहती है तो ये उसे इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन इंप्लीमेंट करने पे होगा क्या वो भी मैंने आपको बता दिया, नहीं करती है सरकार तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इतने दिन से मैं वीडियो ला रहा हूं, पिछले मैं डेढ़ महीने में आप, मैं दिखा दूं आपको स्क्रीन पर भी और आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाकर के, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, मैं बता रहा हूं एक्चुअली हुआ क्या कि टाइपिंग के एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप सबको लग रहा है कि यार अब क्या तो मेरे वीडियो देखते हैं, चलो कोई नहीं, मैं फिर भी वीडियो डालना, और मैंने जो कमिटमेंट किया था पावर पॉइंट का वीडियो डाल चुका हूं, फाइनल वीडियो कल शाम को आ जाएगा, ये भी मैं भी बोल रहा हूं तो आ जाएगा। ठीक है, अब बात यहां पर है यार, कुछ मैं बहुत सारे कमेंट्स इग्नोर करता हूं, ठीक है क्या बना रहे हो, ये मत बनाओ, चलो ठीक है सब, लेकिन यार हद होती है। मैंने जीडीएस की रिजल्ट डाली तो एक बंदे ने कमेंट करके कहा यार ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, कह रहा है कि ये क्या डाल रहे हो, किसी का नहीं निकला। अरे यार, तो अगर किसी का फॉर्म में नहीं निकलता या किसी की कंपटीशन नहीं निकलती है तो मेरी जिम्मेदारी है क्या, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं? आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, वो कह रहा है कि उस बंदे का कहना है कि आपने ऐसा बनाया है, मतलब रिजल्ट डाला है, मैंने पीडीएफ बताया था कि जो जीडीएस पोस्ट ऑफिस वाला निकला है तो बहुत होगा इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपने रिजल्ट क्यों डाला, ये फालतू वीडियो है यार, कोई चैनल आपको इतना जल्दी न्यूज नहीं देता हो, ये मैं आपको बोल सकता हूं। और उस टाइम पे जो पंचायत सचिव के एग्जाम्स थे, एक चैनल नहीं है, बड़े बड़े चैनल ले हुए, छोटे छोटे चैनल, किसी ने टाइपिंग के टॉपिक को नहीं उठाया, सिर्फ मैंने टाइपिंग के टॉपिक को उठाया था। ठीक है, ये जानते हुए कि मुझे अच्छे नॉलेज नहीं, मैंने सीख करके आपको सिखाया, जरूरत के वक्त सब काम आते हैं, लेकिन आज देख लो यार कोई पूछने वाला नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूं डेढ़ महीने, मैं अपना, मेरे को टेक में इंटरेस्ट है, मेरे को एंड्रॉइड एप्स टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, फिर भी वो छोड़ के मैं ये वीडियो बनाता हूं, लेकिन अब मैं बहुत होल्ड कर लिया। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो या फाइनली मैं चैनल का नेम चेंज कर दूंगा, या तो मैं इस पर वीडियोस अपने शौक के डालू, क्योंकि ऐसे भी मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आप लोग देख नहीं रहे हो, और जिनको देखना हो दोस्तों तो मैथ्स के ट्रिक्स, हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स के दो चार वीडियो, जीके के वीडियो, रेलवे के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दे रहा हूं, चैनल पर भी जाके देख सकते हैं।
और नियोजन नीति को लेकर के जो बात थी मैं आशा करता हूँ आपको समझा पाया, और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।